योगी जी आएंगे। योगी जी से मुख्यमंत्री न कभी अच्छा आएगा और न था न रहेगा। इस सारे चोरों की सरकार थी, इससे अच्छा माहौल कहाँ मिलेगा। तो योगी बाबा की सरकार फिर से वापस आएगी, हल्का सा आवाज़ होता है पुलिस तुरंत पहुँचती है। अच्छा, 2017 से पहले नहीं पहुँचती थी अखिलेश यादव की सरकार में, वहाँ पर लाठ लेकर लोगे मारते थे पहले। अच्छा, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इनकी सरकार में क्राइम कम नहीं हुआ। यादव क्या किए हैं सब जनता जानती है। अच्छा, यादव भी उनको अब साथ नहीं दे रहे हैं। ये देश को लूटा है जो जितने मायावती ने और आपका मुलायम सिंह ने, समझ गए, ये अंग्रेजों से ज़्यादा लूट खसूट किया है जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश यादव की सरकार में क्या मिला था सपा की सरकार में? यादव भाई हमें जीता कि काश्तकारों को बेचारों को खाद भी कम सस्ता था। हम भाई तुम काश्तकार हो तो तुम्हें तो अपनी पेट को देखना भी है, जब हमारे पेट को नहीं मिलेगा तो हमारे तुम कौन। तो बीजेपी की सरकार में पेट में खाना नहीं मिल रहा, मतलब ये वो मिलने को सब क्या मिल रहा है। 1200 को धान नहीं गया, काश्तकार की मट्टी पिट गई बेचारी, बेचारा भागे बढ़ गया, 500 नोट चला बैठ मर गया बेचारा। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो रहने वाला बिहार के हूँ। हाँ? लेकिन मैं यहाँ 20 साल से हूँ दिल्ली में। अच्छा, यहीं नोएडा गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में कुछ समय बाद चुनाव होने वाले हैं जी, आपको माहौल क्या लग रहा है? सभी पार्टियाँ दावा कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। जी जी, योगी जी आएंगे। योगी जी से मुख्यमंत्री न कभी अच्छा आएगा और न था न रहेगा। इस सारे चोरों की सरकार थी। अच्छा। ये देश को लूटा है जो जितने मायावती ने और आपका मुलायम सिंह ने, समझ गए, ये अंग्रेजों से ज़्यादा लूट खसूट किया है जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इससे बेहतर मुख्यमंत्री ना था ना आएगा भविष्य में। आप बोल रहे हैं अंग्रेजों से ज़्यादा, अभी लखीम, हाँ, अभी अंग्रेजों से ज़्यादा लूट कर खसूट किया है। अभी लखीमपुर में किसानों पे मतलब गाड़ी चाह दिया गया था, तो अखिलेश यादव ने यही बात कहा था। हाँ। कि अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति कर दिया है भाजपा वालों ने। किसी ने नहीं है ऐसा। अच्छा। शांति के माहौल है, हर चीज़ शांति के माहौल है। अच्छा। अखिलेश यादव कल से विजय रथ यात्रा निकाले हैं, काफ़ी भीड़ देखने को मिला कानपुर में, वो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। वही बात नहीं सर, सरकार तो देखिए जब बनेगी, जब इलेक्शन होगी, समझ गए, जब इलेक्शन होगा जब ही सरकार बनेगी। अभी तो सब दावा अपने अपने करेंगे। अच्छा। और बाकी पब्लिक का है, अच्छा जो पब्लिक अच्छा करेगा। हाँ। समझ गए। तो योगी बाबा ने जो सरकार बनाने से पहले वादे किए थे, क्या वो सरकार बनाने के बाद वादे को पूरा कर दिया उन्होंने? कर दिया। अच्छा, जनता आपकी क्या है? जनता का कुछ भी ये संतुष्ट नहीं होता ना। हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकते। हमारे घर में 6 फैमिली है, मैं उसको संतुष्ट कर पाता हूँ? नहीं कर पाता हूँ ना। उसी तरह हर क्षेत्र में, हर कस्बे में अलग अलग आदमी का राय होता है। हाँ। हर आदमी का अपना मत है, अपना अच्छा, जो अच्छा है वो अच्छा देगा। क्या योगी बाबा की सरकार में क्राइम कम हुई, शिक्षा पे काम हुआ, रोजगार पे काम हुआ? आप जनता हो, आप बताओ। नहीं, काम हुआ सर, जो जो समय के अनुसार, जो हालात के अनुसार। हाँ। वो काम हुआ है, समझ गए, जो हालात है, कोरोना आया, ये अभी आया, सबके हालात के अनुसार काम हुआ है, समझ गए। हालात के अनुसार आप भी क्या किए हैं, सब हालात के अनुसार, सारा चीज़ जीवन सब कुछ हालात के अनुसार चल रहा है। आपकी क्या राय है इस बार 22 में फिर से किसकी सरकार? फिर से जोगी आना चाहिए, आना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, 400 पार। ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? बिमल। क्या करते हो आप? चाय की दुकान चलाते हैं। चलिए, चाय की दुकान आप चलाते हैं, चाय वाले हमारे देश चला रहे हैं। अभी यूपी में चुनाव है, क्या माहौल क्या है जनता के प्रति? माहौल है कि हमारे फिर से योगी जी आएंगे। अच्छा। और अपनी फिर से वो दिखाएंगे। अच्छा, जलवा दिखाएंगे। जलवा दिखाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव कल 12 अक्टूबर को विजय रथ यात्रा कानपुर से निकाल रहे हैं, काफ़ी भीड़ देखने को मिली, वहाँ वो अपना जलवा दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं 400 प्लस सीटों से हम आएंगे। नहीं आ पाएंगे। अच्छा। हमारे योगी जी आगे चल रहे हैं। अच्छा, कितने साल के हैं आप? हम अभी हैं 22 साल का। अच्छा, आपने अखिलेश यादव की सरकार देखी थी पहले? नहीं। अच्छा, योगी बाबा की सरकार में कुछ दिखते या फिर कोई अच्छे काम हुई वो आप हमें बताइए। अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ। अभी भी हो रहा है, अभी आगे चल के अभी और भी होगा। आपकी दुकान ये खोड़ा में है? हाँ। खोड़ा में क्या योगी बाबा ने विकास किया जब से आप ये दुकान लगा रहे हो? खोड़ा में हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। अच्छा। हाँ, बाकी और जगह बढ़िया से हो रहा है। अच्छा, लॉकडाउन में दुकान बंद रहा, योगी बाबा ने आपकी चाय की दुकान के प्रति कुछ दिया? राशन वासन मिला? हाँ, राशन तो मिला था हमें। अच्छा, कुछ सहायता मिली? दुकानें बंद थी, राशन मिली। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम मुकेश। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। नोएडा में ही रहते हैं? नोएडा में रहते हैं, 115 सेक्टर।
क्या माहौल है जनता का इस बार 22 के यूपी चुनाव में कौन आ रहा है? इससे अच्छा माहौल कहाँ मिलेगा? इससे अच्छा माहौल कहाँ मिलेगा? तो योगी बाबा की सरकार फिर से वापस आएगी? हल्का सा आवाज होता है, पुलिस तुरंत पहुँचती है। अच्छा, 2017 से पहले नहीं पहुँचती थी अखिलेश यादव की सरकार में? वहाँ पर लौट लेकर लोगे मारते थे पहले। अच्छा, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इनकी सरकार में क्राइम कम नहीं हुआ। यादव क्या किए हैं सब जनता जानती है। अच्छा, यादव भी उनको अब साथ नहीं दे रहे हैं। अच्छा, उनकी जाति के लोग उनके साथ नहीं दे रहे? नहीं दे रहा है। अच्छा, तो क्या बीजेपी के फिर से वापसी होगी? वापसी तो होनी है उसको, कोई भी वो नहीं आ सकते, सब एक जगह हो जाएंगे। जितने आए चलिए, आप बताइए आपकी क्या राय है इस पर, योगी बाबा वापस आएंगे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव अभी यहाँ पे हम काफ़ी लोगों से बात कर रहे हैं, सब योगी बाबा की तारीफ कर रहे हैं, आप अखिलेश यादव क्यों बोल रहे हैं? हम खान को उतना बोल दे रहे हैं, रख दे रहे हैं। बोलो योगी अच्छा। आएंगे और क्या? हाँ, अरे मेरे भाई आप क्या बोलो योगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार से आप खुश नहीं है? पिछले 5 साल में उन्होंने काम नहीं किया। चाय हमें क्या मिला है कुछ बताइए। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार में क्या मिला था सपा की सरकार में? यादव भाई हमें ये था कि काश्तकारों को बेचारों को खाद भी कम सस्ता था। हम भाई तुम काश्तकार हो तो तुम्हें तो अपनी पेट को देखना भी है, हमारे पेट को नहीं मिलेगा तो हमारे तुम कौन? तो बीजेपी की सरकार में पेट में खाना नहीं मिल रहा? मतलब ये वो मिलने को सब क्या मिल गया है, 1200 को धान नहीं गया, काश की मट्टी पिट गई बेचारी की, बेचारा भाग्य बढ़ गया, 500 नोट चला बैठ मर गया बेचारा।